हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बजे हैं 9 और मेरे घर में गुड मॉर्निंग नहीं, गुड नाइट हो रहा है। तो अभी बहुत लोग मेरे घर पे सोए हैं, तो मैं एक एक को दिखा देती हूँ और एक एक का नाम ले लेके दिखाती हूँ मैं आपको। सो फर्स्ट माय हस्बैंड, सेकंड दिखाओ कौन है, ये देखो निशा नीली तो देखो। बस जागे हुए इंसान हम ही हैं और सब सोए हैं, सबका गुड नाइट हो रहा है। और कल रात को मुझे लगी थी काफ़ी गर्मी और आज मुझे लाना है कूलर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है गाइस अंदर, बहुत ही ज़्यादा। मैं ना सही में टिक नहीं पाऊँगी। और अभी मेरे आज है थर्सडे, तो अभी मुझे फटाफट से काम करना है। मेरे को कुछ बर्तन धोने हैं एंड कपड़े भी तय लगाने हैं, जो कि ये है वो कल के थे। और बिना मेकअप के चाहिए कुछ ना कुछ, कम से कम लिपस्टिक तो होना ही चाहिए। तो सोई कैसी है ये देखो, उसका जो सफ़ेद वाला जो वो है ना, वो दिख रहा है। चलो उसको सोने देते हैं, वो सोई है। काफ़ी लंबा टाइम खाया, मैगी खाया, बिस्किट खाया, उसके बाद सो गई है। ये बस खाने के धंधे में आती है, उससे ज़्यादा नहीं आती। और एक बात इनकी ये है कि ये कभी मतलब डोमेस्टिक नहीं होते हैं किसी के भी, मतलब जबकि घूम आस्ती से ना तो घुमा चुके हैं। तो यहाँ अभी जो कि मेरे हस्बैंड उठ चुके हैं और अभी मैं जो कि बेडशीट चेंज करूँगी, तो पिलो जो कि मुझे चेंज नहीं करना पड़ता है क्योंकि वो उतना गंदा नहीं होता है। और मुझे बेडशीट मतलब हफ्ते में 3-4 बार तो निकालना ही है, मुझे अच्छा नहीं लगता एक बेडशीट एक हफ्ता 4-5 दिन ऐसे रखो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं काफ़ी चेंज करती हूँ, ये मेरी आदत है। सब हर किसी की हर एक होता है ना, तो वैसा मेरा भी है आदत। धोना तो मुझे ही है, ऐसा तो नहीं कि कोई आके धो देगा और मैं रोज़ चेंज करूँ। तो मैं धोती हूँ तो मैं ही करूँगी सब कुछ, तो इस वजह से मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं रोज़ का रोज़ चेंज करती हूँ, मतलब रोज़ का रोज़ नहीं, मतलब 2 दिन छोड़ छोड़ के। और यहाँ मैं अभी ये वाला बेडशीट बिछाऊंगी पिंक कलर का, और जो कि ये बेडशीट ना मतलब बहुत ही प्रॉब्लम होता है क्योंकि ये ना सरक जाता है, यहाँ से खींचो तो उधर से निकल जाता है। तो इस टाइप का है मेरा ये चादर, तो लेकिन फिर भी सही है गर्मी के लिए ना, ऐसा चादर सही है जो कि मतलब ठंडा होता है, मेरा मानना है। ठीक है, और यहाँ मैं ना अभी बैठ बैठ के कितने टाइम तक इस बेडशीट को मैं मतलब ठीक करी थी वो मुझे पता है। मैंने तो बस जो कि वीडियो को फास्ट कर दिया है और कट कर दिया। यहाँ पे हस्बैंड जो कि है ना, जो कूलर है उस कूलर को ना मतलब अंदर लाएंगे, बोला है उन्होंने कि अंदर लेके आएंगे क्योंकि काफ़ी गर्मी लगी थी गाइस, काफ़ी ज़्यादा। कल रात को ना 1 बजे उठ के ना मैंने मतलब मच्छरदानी निकाला, उसके बाद जो कि फ़ैन चलाया, कूलर चलाया, दोनों चला के सोई, फिर भी मतलब गर्मी गई नहीं, मतलब इतना गर्मी मतलब पड़ा है ये दो दिन। तो मैंने बोला मैं ना 2 दिन बचूंगी नहीं, और कुछ दिन अगर रुका तो फिर मैंने क्या किया, उनको बोला कि अंदर लेके आओ, मुझे उतना शो नहीं चाहिए रूम का, पहले तुम लेके आओ कूलर। तो यहाँ जो कि मेरा बेडशीट कम्प्लीट हो चुका है और अभी ना मैं अभी लगाऊँगी पिलो। तो मेरे को ना मेरे बेडशीट का जो डिज़ाइन है ना उसको बनाना, सॉरी बेडशीट नहीं, बेड का जो डिज़ाइन है ना फ्रंट में जो डिज़ाइन होता है वो मुझे चाहिए, तो मैं बनाऊंगी लॉकडाउन के बाद ही बना दूंगी। अब पता नहीं लॉकडाउन जाएगा कि नहीं, बना ही दूंगी, जल्द से जल्द बना दूंगी क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना। और यहाँ पे कुछ कपड़े हैं, इनको भी मैं तय लगा के रखूँगी।
कुछ मेरे हैं, कुछ मेरे हस्बैंड के हैं, तो इनको भी तय लगा के रखूँगी। और कल जो कि मैंने ये साड़ी पहना था तो इसको धो दिया था, और उसके बाद मैं इसको ना मतलब तय लगा के रख दूँगी अलमीरा में। अभी मेरे को काफ़ी मतलब ईजीली हो जा रहा है, यहाँ पे साड़ी अलमीरा में है ना, तो काफ़ी सही लग रहा है मुझे। और यहाँ जो कि कुछ टाइम पहले ही हमने ब्रेकफास्ट किया था, तो वही बर्तन रखे हैं, इग्नोर इट। हाँ, हम यहीं पे, हमारा किचन में उतना अच्छा वो किचन है नहीं, मतलब मेरे को किचन अलग से बनाना है, उसी रूम को ही मुझे किचन बनाना है कुछ दिन के बाद। तो अभी तो फ़िलहाल हम अपने रूम में ही कर ले रहे हैं सब कुछ, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट सब मतलब सोफे के साइड में कर लेते हैं, या फिर बेड के ऊपर एक साइड में कोई कपड़ा डाल के, तो हम वहीं पे लंच कर लेते हैं। और अभी जो कि ये माच है, अभी सोफे को हटा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लगेगा कूलर, हम जो कि मैंने बोला काफ़ी गर्मी है इस वजह। गुड इवनिंग गाइज, अभी जो कि रात की बजे हैं, क्या बोलूँ, 9, और अभी हमारा जो कि डिनर होगा, और हम जो कि ये कूलर जो कि हम खिड़की के वहाँ से अंदर लेके आएंगे, काफ़ी गर्मी है और इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हमें चेंज करना पड़ा, सो इस वजह से आज मैं ब्लॉग अच्छे से बना नहीं पाई, और जो कि मेरा रूम एकदम गैदरिंग सा हो चुका है। इस सोफ़े को मुझे अभी बाहर निकालना है, तो कल निकाल दूँगी और एक चीज़ दिखाती हूँ आपको। और आज के जो कि डिनर में है, ये है बैंगन फ्राई दोपहर का, एंड ये है टॉक और सैलेड, और ये दाल। एक प्लेट पता नहीं, ये देखो देख रहे हो, मिनी एने एने मिनी आई। जो कि डिनर का टाइम हो चुका है, हमें जल्द से जल्द खाना खाना है, और खा के ना थोड़ा रेस्ट करना है, मुझे पंखे के कूलर के सामने बैठना है सीरियसली। हमारा कूलर जो कि इसमें हिशो है ना, जो ना खुनती मेरे हस्बैंड को ना बिल्कुल भी, सीरियसली मैं बताऊँ ना, अक्ल नहीं है भेजे में, अक्ल बिल्कुल नहीं है। बिल्ली को खाना दे रहे हैं ना, जिस प्लेट जिस कर्ची से मैं निकालती हूँ ना सब्जी, और जो नॉर्मल मुझे दिए ना, दे भी दिया, हिशो नहीं तो कौतुपुर दे रहे सुधई पक्का। ये बिल्ली ना मतलब ये ना इतनी लालची है ना, मतलब राक्षस टाइप की है, ये बस खाने के लिए आती है और कुछ नहीं। इसका खाना खाना है, खाना खा के निकल लेती है, फिर भूख लगती है, फिर आ जाती है, और इसके बच्चे भी पता नहीं कहाँ छोड़ के आई है। अभी देखना, अभी शांत हो जाएगी, अभी आएगी नहीं दोबारा। तो चलो अभी हम करते हैं डिनर। तो अभी मैंने आज लगाया मेहंदी, ये देखो रंग नहीं आया, पति का प्यार ही नहीं है। इधर भी मैंने कुछ लिखा, प्यार ही नहीं है, 4 पैसे का झगड़ा करना है बेफालतू। तो चलो अभी इस ब्लॉग को भी यही करते हैं, और आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, एंड सो बाय बाय एंड गुड नाइट।